दिवसीय निमाड़ उत्सव की हुई शुरुआत। खरगोन जिले के पर्यटन नगरी महेश्वर में 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव का शुभारंभ प्रदेश की संस्कृति और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने मां नर्मदा की पूजा अर्चना और नर्मदा अष्टक गान एवं शंख ध्वनि के साथ किया। 25वें रजत निमाड़ उत्सव को लेकर जमकर उत्साह देखा गया। पहली बार देवी अहिल्या के विश्व प्रसिद्ध नर्मदा के तट पर सामूहिक महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश की संस्कृति मंत्री डॉक्टर साधो ने कहा है कि निमाड़ उत्सव को और भी भव्य रूप देंगे। निमाड़ उत्सव के शुभारंभ में खरगोन विधायक रवि जोशी और भीकनगांव विधायक झूमा सोलंकी मौजूद थी। 3 दिन तक चलने वाले निमाड़ उत्सव में पहले दिन मुंबई से आए गायक उदित नारायण द्वारा भजनों और संगीत की प्रस्तुतियां दी गईं। रजत बस पर सांस्कृतिक विभाग द्वारा उत्कृष्ट और देश के अन्य प्रदेशों की संस्कृति को भी नर्मदा तट पर लाया गया। निमाड़ उत्सव में इस बार न सिर्फ मध्य प्रदेश की संस्कृति देखने को मिलेगी बल्कि गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का लोक नृत्य भी देखने को मिलेगा। निमाड़ उत्सव में नौका सज्जा के अलावा नौका दौड़, कबड्डी प्रतियोगिता व कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा।